इस वक्त हम गुलाब बाग मंडी में हैं। ये हमारे भारत देश में महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर छुए हुए हैं। अभी सुबह की 10 बज रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ठेला वाले हैं जो रोज़गार करते हैं, छोटे मोटे रोज़गार करते हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर इन लोगों का किस तरह से जीवन व्यतीत होते हैं, क्या रोज़गार मिलते हैं और शहर में किस तरह से महंगाई है चरम सीमा छू रहे हैं, जानकारी लेते हैं। क्या परिचय हुआ चाचा? हम लोग अभी मालूम है। क्या काम करते हैं? ठेला चलाते हैं। क्या करेंगे? ठेला चलाते हैं। अच्छा, क्या काम मिल जाता है? क्या ठेला चलाते हैं तो मिलता है, कभी कभी मिलता है। इधर देखिए ना, इधर कैमरा में, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। अच्छा, क्या करिए? आज कितना कमाते हैं ठेला में चला के? हो जाता 200-300-400, कभी 500 होता है जी। क्या ये रेगुलर 500-200-300 हो जाता है? क्या नहीं होता है? नहीं होता है। जब घर जाते होंगे रुपया कमा के नहीं हो पाता है तो कितना अफसोस होता होगा? अफसोस तो क्या होगा कि रात में खाने नहीं मिलता है। रात में खाने को नहीं मिलता है। अच्छा, 2024 में लोकसभा की चुनाव है, किसको पीएम के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? देखते हैं राहुल को। राहुल जी को? ये एनडीए की सरकार है, 9 सालों में क्या आपको देखने को मिला विकास के नाम पर? कुछ नहीं मिला। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, कुछ नहीं, वो अपना पेट भरा, कुछ नहीं किया। वो अपना पेट भरे, आपको कुछ उनके द्वारा कुछ लाभान्वित लाभ नहीं मिला? कोई लाभ नहीं मिला। कोई लाभ नहीं मिला? कोई लाभ नहीं। माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं बहुत सारा लाभ दिए हैं, वो लाभ नहीं दिया, कुछ नहीं। और सब भी लोग हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं। क्या परिचय हुआ? क्या नाम हुआ? अच्छा, क्या काम करते हैं आप? ठेला चलाते हैं। ठेला चलाते हैं? क्या क्या ये जो ठेला चलाते हैं, क्या लगता है आपको कितना रुपया कमा लेते हैं? कहाँ कमाते हैं, 200 रुपया कमाते हैं। 200 रुपया में घर चल जाता आपका? क्या करेंगे, वो हेला चलाते हैं। कहाँ घर कहाँ हुआ? एक हुआ। ये मंडी में आपको डेली रोजगार मिल जाता है क्या? मिलता है, कभी घूम के जाते हैं जी, कभी होता है कमाई कमाई नहीं। 2024 में किसको लोकसभा चुनाव देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? अब जो हम थोड़े हमरे से हो जाएगा, होगा जी, जो जो बनाएगा वही होगा ना जी, 10 आदमी जो बनाएगा वही होगा। नहीं, आप लोग निर्वाचित करते हैं ना, ये लोकतंत्र है। पहले राजतंत्र चलता था, पहले जो तानाशाही था दूसरे के पक्ष में था, जो बड़े बड़े पैसे वाले होते थे उनको चुन के भेजते थे, जो काम करवाता था। अभी अपना लोग जनता चुनते हैं प्रधानमंत्री को, किनको देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, किनको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी को? अच्छा, नरेंद्र मोदी 9 सालों में क्या क्या विकास किए हैं, क्या क्या लाभ मिला आपको? मिला है। क्या मिला है? राशन देता है। राशन देता है। और सभी व्यक्ति क्या भैया क्या काम करते हैं? लेबर का काम करते हैं। भैया लेबर काम कहाँ काम करते हैं? गुलाब बाग मंडी में? गुलाब बाग मंडी में करते हैं। अच्छा, कितना रुपया कमा लेते हैं? 200-250 रुपया कमा लेते हैं। 200-250 रुपया में घर चल जाता है आपका? चलता है भैया, क्या करें। अरे, महंगाई इतना चरम सीमा पे है, सब्जी 40-50 रुपया के जी है, आलू 20 रुपया है, प्याज 30 रुपया है, कैसे चल जाता है 200 रुपया? क्या करेंगे भैया, गरीब आदमी को बचना भी चाहिए ना। क्या करें, गरीब आदमी जो मिल रहा है वही करना। लेबर में कौन व्यवसाय करते हैं, कौन काम करते हैं? मसाला ढोते हैं। मसाला ढोते हैं। और देखिए ये भैया मसाला ढोते हैं। क्या काम करते हैं भैया? दुकान है मेरा। कौन दुकान है? लिट्टी दुकान। कौन? लिट्टी का दुकान है। लिट्टी का दुकान है, रोड किनारे फुटकर। हाँ, फुटकर दुकानदार है। फुटकर दुकानदार है। कितना रुपया कमा लेते हैं? वही 200-300 डेली। 200-300 में घर चल जाता है। क्या कीजिएगा, चलाना पड़ेगा ना। महंगाई चरम सीमा पे है, सब्जी सब 40 रुपया है, आलू प्याज 20-30 रुपया है। सब्जी क्या, हर चीज महंगा है, कोई चीज सस्ता नहीं है जी। अच्छा, प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी को। मोदी जी को जी। विकास के नाम पे क्या क्या किए हैं मोदी जी, क्या क्या लाभ मिला आपको? हमको बहुत लाभ मिला है। क्या क्या, एक आध को लाभ का नाम बताइए। अरे, लॉकडाउन में राशन मिला है जी, सबसे बड़ा मुद्दा ये राशन मिला हम लोग को जी। और गैस लेने में पहले समस्या होती थी, अभी कोई समस्या नहीं, भले महंगाई है लेकिन गैस उपलब्ध हो जाता तुरंत जी। ये है जी, देखिए हमारे नरेंद्र मोदी जी डिजिटल इंडिया बनाया है, ये आगे उभर कर देखना चाहेंगे नरेंद्र मोदी को। जी हाँ, नरेंद्र मोदी को 9 सालों में अच्छी विकास किए, बहुत अच्छी विकास किए। आप लोग भी नरेंद्र मोदी के ये देन है जी। मोदी जी डिजिटल इंडिया निकाले हैं तो आप मीडिया कहला रहे हैं जी। जी, यही मोदी जी का देन है जी। फिर महंगाई के बात बोल रहे हैं आप तो मोदी, महंगा देखिए मोदी जी क्या करेंगे इसमें, हम आप और टैक्स बढ़िया से देंगे तो मोदी जी ठीक से चलाएंगे। मोदी जी अच्छा विकास किए, ये साइड का नज़ारा देखिए,
ये विकास है कि क्या जलमग्न है? ये मोदी जी का नहीं, ये बिहार सरकार की देन है, नगर निगम की देन है जी। बिहार सरकार तो वही प्रधानमंत्री के अंतर्गत आते हैं ना भारत में, तो इसको जल संसाधन के द्वारा इनको निष्कासित जल कर सकता है? निष्कासित किया जाता है, फिर भर जाता है, बारिश होता है तो निकाला जाता है पानी। ये फिर तो नगर निगम में आप लोग जी रहे हैं, तो क्या इन लोगों इन सभी के खिलाफ आप लोग क्या आवेदन नहीं दिए? इससे साइड के जो दुकानदार है उसको कितना ये होता होगा, उनको तो दिक्कत होता है, दिक्कत होता होगा जी। और भाई ये किसको 2024 में लोग चुनाव में देखना चाहते हैं, कौन प्रधानमंत्री को? हम लोग क्या जान लेंगे, हम लोग जानते तब ना। पर नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं कि राहुल गांधी को? इन सब बात हम नहीं बता पाए।